कहते हैं कि जब खुद की थाली में छेद हो तो दूसरों का फटा नहीं देखते। ऐसा ही हाल कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस के अंदर ही अध्यक्ष राहुल गांधी का फॉर्मूला ठीक से काम नहीं आ रहा, तो वो दूसरों को क्या नसीहत देंगे। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार को पत्र लिखकर 33% आरक्षण दिए जाने की मांग की थी, तो वही राहुल गांधी खुद अभी कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी है। हाल ही में हुई संगठन की बैठक में राहुल गांधी ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि देश में महिलाओं की हिस्सेदारी जब 50% है तो फिर हमारे संगठन में भी हर लेवल पर उतनी जगह मिलनी चाहिए। राहुल गांधी की इस बात पर खूब तालियां बजी थी, लेकिन अगर खुद कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो ऐसे आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। 50% तो दूर, पार्टी के संविधान के मुताबिक पार्टी में 33% भी महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं है। बात अगर कांग्रेस के संगठन की जाए तो पार्टी में 11 महासचिव है, जिनमें से सिर्फ अंबिका सोनी इकलौती महिला महासचिव है, जबकि ये संख्या कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए थी। 50% तो दूर की बात है। वहीं राष्ट्रीय सचिव की बात करें तो कांग्रेस में कुल 58 राष्ट्रीय सचिव है, लेकिन इनमें महिलाएं सिर्फ 7 है, जबकि ये संख्या 17 तो होनी ही चाहिए थी। वहीं 13 कांग्रेस प्रभारियों में से सिर्फ 2 महिला प्रभारी है, ये संख्या भी 4 होनी चाहिए थी। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 22 सदस्य हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं, लेकिन 33% के हिसाब से कम 7 महिलाएं होनी चाहिए थी। जाहिर है कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी का फॉर्मूला काम नहीं आ रहा, तो फिर पार्टी दूसरों को इस पर नसीहत कैसे दे सकती है। इसलिए राहुल को पहले अपने घर को सुधारना होगा, तभी राहुल आगे इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं।